In Vijay Kumar tutorials, today we are going to discuss about N-type and P-type semiconductor. So, दोस्तों आज हम बात करेंगे N-type और P-type semiconductor के बारे में. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके type कितने प्रकार के होते हैं. तो चालक के जो type होते हैं, पहला तो शुद्ध अर्धचालक होता है और दूसरा अशुद्ध अर्धचालक. शुद्ध अर्धचालक में क्या होता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है उसका एनर्जी गैप जो होता है, यानी कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो है डिफरेंस जो होता है, सिलिकॉन में हमारा जो होता है एनर्जी गैप 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो होता है अशुद्ध अर्धचालक में जर्मेनियम में 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. अब इसके बाद हम बात करते हैं अशुद्ध अर्धचालक. अशुद्ध अर्धचालक का मतलब होता है कि उसमें कोई चीज बाहरी चीज मिला दी गई हो, मतलब जर्मेनियम और सिलिकॉन में कोई बाहरी चीज मिला दी जाती है तो वो बन जाता है अशुद्ध अर्धचालक. अशुद्ध अर्धचालक की चालकता जो होती है वो शुद्ध अर्धचालक की चालकता से कहीं अधिक होती है, लगभग 16 गुना होती है. तो अशुद्ध अर्धचालक में हम बात करेंगे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो अब इसके बाद हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर. N-type semiconductor का मतलब होता है negative type semiconductor. जब हम शुद्ध अर्धचालक जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन में हम कोई 5 संयोजकता वाला तत्व मिला देते हैं, जैसे फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक, इन सभी में से कोई यदि एक तत्व हम मिला देते हैं शुद्ध अर्धचालक में, तो वो क्या करता है कि जर्मेनियम के एक परमाणु को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है. और इस प्रकार होता क्या है हम देखते हैं. जैसे कि हमारे एक फास्फोरस का परमाणु है जिसकी संयोजकता 5 है, और इसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे. ये 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं. इस प्रकार से ये जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजक बना के बंध जाते हैं. इस प्रकार जो है हमारे सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जर्मेनियम के इस प्रकार से बंधे होते हैं. एक इलेक्ट्रॉन यहां जर्मेनियम का, एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां. एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ये फास्फोरस के एक इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजक को बंध बना लेता है, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसी प्रकार यहां भी होता है, ये भी जर्मेनियम के फास्फोरस के जर्मेनियम का एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के एक इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजक बंध बना लेता है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है. इस प्रकार से होता है. चूंकि फास्फोरस का 4 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जर्मेनियम के चार इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजक बंध बना लेता है, और इसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो मुक्त रूप से इस परमाणु अर्थात फास्फोरस के परमाणु से अलग हो जाता है. अलग होने के कारण ये जो है पूरे क्रिस्टल में मुक्त रूप से घूमने लगता है, और यही जो इलेक्ट्रॉन होता है इस क्रिस्टल में आवेश वाहक का कार्य करने लगता है, जिसके कारण हमारी जो धारा है वो बहने लगती है. इस प्रकार ये रहा हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर. चूंकि इसमें जो हमारा आवेश वाहक है वो निगेटिव है, इसीलिए हम इसे निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं. और चूंकि ये जो हमारा अपद्रव्य परमाणु है अर्थात जो फास्फोरस है ये इस क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है, इसीलिए इस परमाणु को हम दाता परमाणु कहते हैं. पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब होता है पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर. पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे है वो हम जानेंगे. तो जब हम
तीन संयोजकता वाला तत्व जो होता है हम शुद्ध अर्धचालक में मिला देते हैं, जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिला देते हैं, तो हमारा बनता है पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। जब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर में जो हम पदार्थ मिलाते हैं वो बोरान या एल्युमिनियम मिलाते हैं जिनकी संयोजकता तीन होती है। तो जैसे ही हम मिलाते हैं शुद्ध अर्धचालक में, जैसे ही हम भारी पदार्थ को मिलाते हैं, तो क्या होता है कि जो बोरान या एल्युमिनियम का जो परमाणु होता है वो शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम के एक परमाणु को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले ये जो होता है हमारा, ये जो होता है तीन संयोजकता वाला तत्व होता है जिसके तीन इलेक्ट्रॉन इसके पास पास रहते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है और एक ये होता है, और इसमें जो जर्मेनियम परमाणु होता है उसकी संयोजकता चार होती है। इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से बंधे होते हैं इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम परमाणु के, जर्मेनियम या सिलिकॉन परमाणु के। यहां पे जो होता है हमारा ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से हमारे जो है इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं। जब हम जैसे ही हम तत्व को मिलाते हैं तो हमारा जो होता है ये बोरान का तत्व जो होता है, परमाणु जो होता है वो शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम के एक परमाणु को स्थानांतरित कर देता है और उसके स्थान पे स्वयं बैठ जाता है, जिसके तीन इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम परमाणु के तीन इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं यहाँ पे। और ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है जर्मेनियम का, ये इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन से जो होता है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसके कारण ये सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता, जिसके कारण यहाँ पे होल्स हो जाता है, यहाँ पे इस प्रकार से होल्स हो जाता है। और ये जो होल्स होता है इसे हम कोटर कहते हैं। जब हम इसमें वैद्युत क्षेत्र प्रवाहित करते हैं, जैसे कि हम बैटरी से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो ये जो कोटर होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने लगता है। तो इस प्रकार ये जो जिस प्रकार ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है, तो ये जो है धन, इसका जो लक्षण होता है ये धन होता है, धन पॉजिटिव होता है, और इसीलिए इसे हम पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्योंकि ये जो परमाणु होता है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, मतलब ये जो कोटर होता है अपने पड़ोसी इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करके उसके स्थान पर बैठ जाता है, जिसके कारण इस कोटर के कारण पूरे क्रिस्टल में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और चूंकि ये जो इलेक्ट्रॉन ये जो कोटर होता है इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है, तो इसी वजह से इस परमाणु को, मतलब बोरान या ये जो होता है बोरान एल्युमिनियम कोई भी परमाणु है, इसे हम ग्राही परमाणु कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने के कारण हमारी जो धारा है फ्लो होती है। और चूंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन इसमें कोटर के कारण वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए ये धीमी गति से होगी, और जो हमारा जो एन टाइप सेमीकंडक्टर था उसमें निगेटिव टाइप, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के कारण वैद्युत फ्लो हो रही थी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही थी, और इसीलिए वो जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर था उसमें वैद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित होती है। तो ये रहा जो हमारा एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।